सो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताऊंगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वीडियो स्टेटस बनाना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को आपको पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो को शुरू कर लेते। सबसे पहले आपको पिककार्ट ओपन कर लेना है। पिककार्ट में आपको सबसे पहले बॉर्डर बना लेना है। तो बॉर्डर बनाने के लिए सबसे पहले आपको ड्रॉ पे जाना है। ड्रॉ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक यहाँ पे बगल में एक ड्रॉ सॉरी यहाँ पर लेके जाना है। उसके बाद इसमें से आपको जो कलर रखना है उस कलर को यहाँ पे आप सबसे पहले ड्रॉ कर ले। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पे सेव कर लेनी है। सेव करने के बाद इसको कैंसिल करने के बाद आपको यहाँ से सबसे पहले जो भी सेव किए थे उसको सबसे पहले यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको वो दिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको इसको बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद आपको यहाँ पे बॉर्डर का सिंबल मिल जाएगा, बॉर्डर का। तो आपको यहाँ पे इसको जहाँ जितना रखना है आप उतना इसको रख कर इसको क्लिक करके आपको देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर, और यहाँ पे एक आपको रबर का भी आपको सिंबल मिल जाएगा। मैं यहाँ पे जहाँ पर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और आइकन सेव करूँ, सेट करूँ, तो आप इसे वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो उसको सेव करके निकाल लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो इरर किए हुए हैं, ये जगह जो दिख रही होगी आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सबसे पहले टेक्स्ट में चले जाता हूँ। टेक्स्ट में चले जाने के बाद मैं यहाँ पे स्टिकर कोई भी ले लेता हूँ। जैसे मैं ये स्टिकर ले लेता हूँ, एक ही लेता हूँ। उसके बाद सेव करता हूँ। इसको आप सबसे पहले जूम कर लें। तो इस तरह आप इसको दोनों को सेट कर लेते हैं। जैसे कि मैं इसमें एक और जैसे स्टिकर ले लो, तो आप यहाँ पर कुछ भी ऐड कर सकते हैं उसे। सॉरी, फिर से टेक्स्ट में चला जाता हूँ मैं। तो इसको मैं फ्रेम बना लिया हूँ, तो इसको सबसे पहले मैं सेव कर लेता हूँ। तो काइन मास्टर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले काइन मास्टर में आपको वीडियो साइज ले लेनी, तो मैं सबसे पहले वन बाय वन ले लेता हूँ। और उसके बाद मैं इसमें सबसे पहले फोटो ऐड कर लेता हूँ, जो फोटो पे आपको एडिट करना है। तो मैं ये फोटो ले लेता हूँ। ये फोटो मैं कम जैसे 30 रखना चाहते, 30 रखने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगी क्रॉपिंग का। तो इसमें सबसे पहले जहाँ तक आप फोटो रखना चाहते हैं वो फोटो वहाँ तक आपको रख लेनी है। ठीक है, तो रख लेने के बाद इसको उसके बाद मैं सबसे पहले एक इफेक्ट है तो मैं सबसे पहले उसी को डाल लेता हूँ, क्योंकि वो इफेक्ट बैकग्राउंड में ही रहना चाहिए। तो कुछ मिल जाए भाई। तो ये वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वैसे आप मेरी यूट्यूब चैनल पर खोजिएगा तो इसका भी लिंक मैं वहाँ भी दे चुका हूँ। तो
उसके बाद इसमें सबसे पहले मैं फ्रेम आप ऐड कर लेता हूँ, जो अभी कुछ देर पहले मैंने अभी पिकार्ट में बनाया था, तो इसको भी सबसे पहले ऐड कर लेता हूँ। ऐड कर लेने के बाद ये भी सेट हो जाएगा। तो आप भी इसको 30 सेकेंड तक इसको सेलेक्ट कर लें। उसके बाद मैं इसको सबसे पहले सेव भी कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें लेयर बहुत ज़्यादा ऐड नहीं हो पाता है। तो ऐड करने के बाद मैं सबसे उसके बाद आप यहाँ से इसमें मैं इस सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले मैं ऐड कर लेता हूँ। धीरे धीरे जितने भी इसमें मैंने ऐड करते जा रहा हूँ, जितने भी मैंने इफेक्ट यूज किया है, सॉरी इफेक्ट नहीं, जो जो फोटो ऐड किया हूँ, तो सबसे पहले आपको सबको ऐड कर लेनी है। इसको बैकग्राउंड चेंज करनी है तो सबसे पहले इसका मैं सबसे पहले फिल्टर में जाने का ब्लैक एंड वाइट में इसमें ले जाता हूँ। ब्लैक एंड वाइट में ले जाने के बाद आप इसको ब्लडिंग करके स्क्रीन पे डाल दीजिए, ये ऑटोमेटिक वाइट हो जाएगा। जो भी कलर हो इसका ब्लैक को वाइट कर देगा, वाइट को ब्लैक कर देगा। तो आपको यहाँ तक इसको रखना है, तो इसको भी मैं ऐड कर देता हूँ। ऐड कर लेने के बाद एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, जैसे कि यहाँ पर आपको मिल जाएगी एक, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैंने सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वो भी वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं मिल रही है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर भी वहाँ से भी आपको वहाँ पर भी आपको प्रोवाइड मिल जाएगी उससे। सभी का आवाज़ आपको यहाँ से म्यूट कर देनी है। और एक और चीज़ ऐड कर लेना हूँ मैं, जैसे कि इसमें जाने के बाद ये तो बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या है, एक प्रॉब्लम आता रहता है, इसमें 3 ही लेयर सेव होता रहा, तो फिर से इसको सेव कर लेंगे। आपके फ़ोन में अगर लेयर ऐड होते जा रही है तो आप वहाँ से भी ऐड करते जा रहे हैं, मगर मेरे में पता नहीं क्यों नहीं ऐड हो रही, तो मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर करके बना रहा हूँ। तो उसके बाद इसमें फाइनली मैं एक और चीज़ इसमें डाल देता हूँ, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सबका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैं वैसे ये डायरेक्ट मेरे यूट्यूब चैनल पर भी आपको ये सब मिल जाएंगे, मैं स्पेशल बनाया ही था इसके लिए, जो कि मैं बाद में जब भी कभी वीडियो बनाऊंगा ये सब का यूज करूंगा, तो मैं ये सब मेरे आसानी से मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। और यहाँ से आपको जो भी सॉन्ग आपको ऐड करनी है, मैं भी सॉन्ग जो भी लेटेस्ट चल रही वही सॉन्ग अभी इसमें ऐड करने वाला हूँ। तो ये मेरे आपको ये सॉन्ग अगर चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल है नया, जो कि हाइपर विद्या म्यूजिक कलेक्शन करके हैं, तो वहाँ से आपको ये सब का भी लिंक वहाँ से मिल जाएगा। वहाँ पर भी आपको मेरे जो जो लेटेस्ट अपडेट व्हाट्सएप के आते हैं वहाँ से भी आप स्टेटस डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये भी देखिए मेरा वीडियो हो गया है तैयार। अगर अपना भी आप इसमें फ़ोटो ऐड करना चाहते हैं तो आप फोटो ऐड कर सकते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, मैं इसी तरह का नया नया ट्रेंडिंग वीडियो बनाता रहता हूँ। और ओके बाय।